नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो, तो हमें अच्छा लगता है। आपको हमारी कैसी रेसिपी लगी वो भी आप बताते हो। आप हमेशा हमें फोटो भी खींच के दिखाते हो कि आपने क्या बनाया, आपको क्या अच्छा लगा, घर में सबने अच्छा, घर में सबने भी खाया, सबको पसंद आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ बनाती हूँ तो किसी के काम में आता है। मेरा मकसद ये है कि जो भी गृहिणी है घर की, जो लक्ष्मी है, वो माँ है, जो बहन है, जो हमारी डॉटर है या फिर हमारी पत्नी है, कोई भी लेडीज है आपके घर में, तो उनको मैं यही संदेशा देना चाहती हूँ कि घर के सदस्य कभी भी बीमार ना पड़े, उसके लिए कम से कम खाना पकाओ। और मेरा अगर कहना मानो तो खाना पकाना बंद कर दो। भगवान ने बहुत कुछ पका के दिया है तो हमें कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ, वो मेरी फेवरेट है। जब हम मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट खाते थे, जब भी हमें पता नहीं था कि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट से बहुत सारे डिशेस होते हैं, तो तब हम रायता खाते थे। तो रायता जो था वो अलग अलग फ्लेवर का भी बनाते थे और कितनी भी बार बहुत मज़े से पेट भर भर के खाते थे। तो अभी वो रायता की तो बात ही नहीं कर सकती क्योंकि उसमें दही आता है या छाछ आती है, मिल्क प्रोडक्ट आता है। तो आज मुझे ऐसा लगा कि चलो ऐसा कुछ रायता बना के दिखा दूं कि मुझे भी खाने की मजा आ जाए, आपको देखने की मजा आ जाए और आप भी घर में बनाना चालू कर दो। तो आज मैं ककड़ी का मतलब कि कुकम्बर रायता बनाने जा रही हूँ। तो ये रायता जो है उसके लिए मैंने दो ककड़ी ली है और एक पोमोग्रेनेट लिया है, मिर्ची ली है, और जो मिल्क बनाने का है उसके लिए मैंने आधा श्रीफल लिया है। फ्रेश श्रीफल हमेशा हर रोज खाना चाहिए, चाहे आप चटनी बनाओ या फिर बटर मिल्क बनाओ या मिल्क बनाओ। तो आपको लगेगा कि मिल्क और बटर मिल्क कैसे बनाना है, तो मैं आपको अभी के अभी मिल्क भी बता देती हूँ, बटर मिल्क भी बता देती हूँ। तो आप भी ऐसे आपके घर में ऐसा कुछ बनाना चालू कर दो। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है उसमें सबसे पहले जो रायता का फ्लेवर आता है वो राई मतलब कि मस्टर्ड। तो मस्टर्ड जो होती है वो मैंने एक स्पून ली है। हमारा जो गैस होता है उसके ऊपर हम तेल रखते हैं और गर्म हो जाता है, फिर उसके ऊपर हम तड़का देके राई डालते हैं। तो अभी हमें तो तड़का देना नहीं है, लेकिन हमें तो ये रायता खाना है। तो मैं एक स्पून कच्ची राई ली है, तो इसका मैं पाउडर बना लेती हूँ। सबसे पहले ये करना है ताकि मिक्सचर हमारा जो है वो गीला हो जाएगा, फिर ये बन नहीं पाएगा, तो इसका मैं पाउडर बना लेती हूँ। ये जो हमारा मस्टर्ड है मतलब कि सरसों की जो सीड्स आते हैं, तो इसको अगर आपको मिक्सचर में नहीं उसको मिक्स करना हो तो आप खल के अंदर भी बारीक कुट के फिर भी आप उसका पाउडर बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक स्पून ये पाउडर बना दिया है। जो रायता है इसके अंदर ये मस्टर्ड का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखो बिल्कुल अच्छा एकदम बारीक पाउडर हो गया है। अभी मैं मिल्क बना रही हूँ, ये आधा श्रीफल लिया है, तो मैं उसको मिक्सचर में पीस रही हूँ, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर से बना लेती हूँ। कोकोनट को पहले ऐसे ही हमें पीस देना है, फिर उसके बाद पानी डालना है। और ये जो हमारा रायता है तो उसके अंदर हमें बहुत लिक्विड वाला पानी जैसा दूध नहीं कर देना है, हमने थोड़ा थिक रखना है, तो मैंने बहुत पानी नहीं डाला है। मिल्क हम दुकान में लेने जाते हैं, उससे तो पहले हमारे घर पे खुद मिल्क बन जाता है। कभी भी बाहर का, डेयरी का, गाय का, भैंस का, बकरी का कोई भी दूध लाने की ज़रूरत नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ बीमारी आती है।
मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दूध छोड़ दो, लेकिन आप 90 दिन तक 90 डे तक दूध छोड़ दो और फिर खुद अपने आप पे प्रयोग कीजिए कि कितने सारे फायदे होते हैं दूध छोड़ देने के। और ये मिल्क पीना ही है हमें, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पीना है मिल्क, ये मिल्क हम पी सकते हैं, जितना चाहो इतना पी सकते हो। तो ये मिल्क सिर्फ 2 मिनट में आपके सामने बातें करते करते मेरे डाइनिंग टेबल पे बन जाता है। ये मेरी NDS की छन्नी भी अगर आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हो, हम कुरियर करते हैं। ये इतनी अच्छी छन्नी है कि पूरे दिन हमारे काम में आती है, फिर भी खराब नहीं होती है और टूटती भी नहीं है। तो ये छन्नी है, इससे मैंने दूध निकाल दिया है। अब मैं ये जो हमारा बाउल है उसके अंदर कुकम्बर का ये रायता बना रही हूँ। तो ये कुकम्बर है और मैं, आपके पास खीरा हो तो भी ले सकते हो, ये मैंने देसी ली है और मैंने पहले चख ली है, नहीं तो फिर अगर कड़वी होगी तो फिर, कड़वी होती है तो फिर पूरा रायता बिगड़ जाता है। तो मैंने चख के रखी है, फिर भी एक बार चख ली आपके सामने, आप भी चख लेना। ये माप नहीं देखना है कि एक कुकम्बर लेना है या 2 कुकम्बर लेना है, 100 ग्राम लेना है कि 250 लेना है, आप कितने लोगों को खाना है उसके मुताबिक एक बाउल भर जाता है। तो 1 या 2 कुकम्बर का आप रायता बना सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो, इससे बहुत ठंडक होती है पेट में, शरीर में, आँख में, दिमाग में, हाथ में, पाँव में, ये बहुत हेल्दी चीज़ है। तो ये मैं सारी, मेरा कुकम्बर है उसका मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। तो ये जितनी भी मेरी 2 अभी कुकम्बर लिया था, तो दोनों कुकम्बर को, मतलब कि ककड़ी को कद्दूकस कर लिया है। इसके अंदर मैं ये जो हरी मिर्च है एकदम फ्रेश है, ये मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े करके, और ये तीखी नहीं आती है और आप कच्ची भी खा सकते हो। तो ये 2 मिर्च मैंने ली है, 1 बाउल के लिए अभी 2 मिर्च ली है। थोड़ा खट्टा होगा, थोड़ा तीखा होगा, थोड़ा मीठा होगा, तो रायता बहुत टेस्टी बनेगा। ये मैंने यहाँ पे 2 मिर्च ली है, अगर आपको 1 मिर्च लेनी हो तो ले सकते हो, लाल मिर्च पाउडर लेना हो तो भी ले सकते हो, और अगर थोड़ी सी मिर्ची डालनी हो तो भी चलेगा, आपकी मर्जी। तो इसके अंदर मैं स्वाद के अनुसार ये जो सिंधव नमक है वो मैं 1/2 स्पून डाल रही हूँ, आप टेस्ट के मुताबिक डाल देना। और रायता के लिए ये मस्टर्ड की सीड्स का पाउडर है, तो वो मैं 1/2 स्पून ले रही हूँ, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अंदर मैं ये जो मेरा धनिया है वो भी मैं डाल रही हूँ, पुदीना भी डाल सकते हो, और पुदीना नहीं हो तो आप मीठा कड़ी पत्ता भी ले सकते हो। और ये जो रायता है वो दही की फिलिंग्स आनी चाहिए, मतलब कि हमें थोड़ा खट्टा भी लगना चाहिए। तो इसके लिए मैंने 1 लेमन जो है वो फ्रेश लेमन का जूस इसके अंदर डाल रही हूँ, ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो 2 लेमन भी डाल सकते हो। अभी ये सिर्फ मैंने मेरे लिए बनाया है, इसलिए ये मैं इतना ही बना रही हूँ। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स है वो सब मिक्स कर लेती हूँ। कई साधक के ऐसे भी फोन आते थे कि आप करते हो वो दिखाई नहीं देता है, अभी हम वैसा भी करने वाले हैं कि यहाँ पे और एक कैमरा रख दें तो आपको डायरेक्ट वो भी दिखने मिले कि मैं कितना मिक्स कर रही हूँ। वैसे तो मैं बोल के बता देती हूँ, लेकिन अभी व्यवस्था चालू है। एक साधक का ऐसा भी क्वेश्चन था कि ग्रीन जूस को बनाने के बाद कितने टाइम पे रखना है, तो अगर फ्रिज में रखते हो तो 1 दिन के लिए रख सकते हो, और अगर ऑफिस ले जाना है तो कांच की बोतल में या अच्छी सी प्लास्टिक की या स्टील की बोतल में आप 4-5 घंटे भी रख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आते रहेंगे, तो हमें यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में हमें पूछ लेना, तो मैं
जब भी फ्री पढ़ूंगी तभी मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी। देखो अभी ये दही है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, जितना जरूर हो इतना आप डाल सकते हो। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो भी कोकोनट का यूज़ ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि हम वो दूध पीते नहीं हैं तो ये दूध पी सकते हो। इसमें भी सारा कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन सब कुछ मिल जाता है। और इसको डेकोरेशन के लिए मैंने ये जो हमारा अभी अभी मार्केट में बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये पोमोग्रेनेट मतलब कि अनार, तो ये अनार भी मैं एक लेके आई हूँ, मतलब कि इसमें डालने के लिए। तो ये भी मैं आधा से ज़्यादा अनार इसमें डाल रही हूँ, तो इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। ये अनार और क्यूकम्बर का रायता जो है वो इतना अच्छा टेस्टी लगता है, आप भी बना के देखिए कभी भी। और आप पूछोगे कि ये रायता किसके साथ खाना है, तो इसके लिए मैंने ये सलाद प्रिपेयर किया है, मेरा आज का लंच है। तो सलाद में मैंने अमेरिकन मकई ली है, मतलब कि कॉर्न भुट्टा, और इसके अंदर एक टमाटर डाला है और छोटा सा टुकड़ा पत्ता गोभी का भी डाला है। तो ये मेरा सलाद रेडी हो गया है, तो सलाद को भी मैं डेकोरेशन कर लेती हूँ। ये हमारा जो इतना कलरफुल भगवान ने बनाया है प्रोमोग्रेनेट, इससे मैं गार्निश कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसा अच्छा अच्छा कलरफुल एकदम टेस्टी एकदम यम्मी आप खा सकते हो। और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये मेरा स्पेशल चाट मसाला है वो स्प्रिंकल कर देती हूँ सलाद के ऊपर, और ये जो हमारा रायता है उसके अंदर भी थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो आपको हमारी रेसिपी के बारे में कैसी लगी वो बताना हो तो YouTube के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आप भी घर पे बनाइए, सबको खिलाइए, आप भी खाइए, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे हमेशा, और हंसते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। लेकिन मैं इसके पहले ये टेस्ट कर लेती हूँ, और आपको हमें फीडबैक देना हो या हमें कुछ हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, हमें फ़ोन करना हो, तो सुबह में 10 बजे से 12 बजे में मुझे फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन का नंबर है 9824317955। तो आप मुझे सुबह में 10 से 12 के बीच में कुछ भी पूछना हो तो फ़ोन कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन नहीं लगता है तो दूसरे दिन आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, और फिर आप वही टाइम पे फिर से 10 से 12 में मुझे फ़ोन कर सकते हो। तो ये मेरा रायता कैसा बना है वो मैं टेस्ट कर लेती हूँ। तो ये छोटी सी डिश के अंदर मैं निकाल देती हूँ और टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये रायता है वो कैसा बना है। एकदम टेस्टी है, एकदम यम्मी है, आप भी बनाना और कैसी लगी हमें बताना। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।